नमस्कार, राज पापा दी ढाबा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राज। बहुत दिनों से बहुत लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे कि राजमा कैसे बनाते हैं बताने के लिए, तो आज चलिए बनाएंगे राजमा मसाला। वो भी बहुत इजली और बहुत टेस्टी होता राजमा मसाला खाने में। तो चलिए देखते हैं राजमा मसाला कैसे बनाते हैं। राजमा मसाला बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको शाम को राजमा बनाना है तो रात में, मतलब डिनर में बनाना है तो सुबह भिगोना है। अगर आपको मॉर्निंग में, लंच में बनाना है तो रात में सोने से पहले राजमा को आपको सोख करके रखना है पानी में। मैंने ये करीब 200 ग्राम राजमा को सोख करके पानी में रख दिया था करीब 10 से 12 घंटे के लिए। और मैंने ये करीब 3 मीडियम साइज़ से थोड़ा सा बड़ी प्याज को काट के पीस लिया है मिक्सर में। और ये मैंने करीब 4 टमाटर को, मीडियम साइज़ टमाटर को पीस लिया है। और इसमें मैंने 10 से 12 लहसुन और 2 हरी मिर्ची और छोटा सा अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, इतना छोटा सा टुकड़ा डाल के ये कूच के रख लिया है। और आपको चाहिए मसालों में, ये मैंने 2 टीस्पून है, टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये कुछ गरम मसाले हैं, इसमें 2 बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी, कुछ 2-3 लौंग, कुछ 2-4 काली मिर्च, 10-12-15-20 जीरा और 1 तेजपत्ता तोड़ लिया है। इस तरह करके जो भी गरम मसाले आपके पास अवेलेबल है वो थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। और ये है 1 टीस्पून हल्दी, उससे थोड़ा कमी है। और ये 1 टीस्पून ये जीरा है, जितना धनिया लेंगे उसके आधा हल्दी आधा जीरा और आधा लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाले और ये करीब 2 चम्मच घी है, 2 टीस्पून है। आप ज़्यादा घी खाते हैं तो टेबल स्पून में ले सकते हैं। ये देसी घी लिया है मैंने। तो चलिए अब देखते हैं कैसे पकाएंगे। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गरम करेंगे। कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को हीट होने देंगे। अब इसमें जो 2 चम्मच मैंने घी लिया था उसको भी डाल देंगे इसी में, यानी आपको तेल और घी का मिक्सचर लेना है। पूरा घी नहीं लिया मैंने क्योंकि घी ज़्यादा उतना खाना नहीं है और तेल में राइस ब्रान यूज़ करता हूँ इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। घी डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है राजमा से और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो केवल तेल डालेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अभी मेरा घी गर्म हो गया, इसमें मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट था इसको डाल दूँगा पूरा। इसको एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के लिए बस फ्राई करना है। मैंने फ्लेम को हाई रखा है। अभी मेरा ये हो गया हल्का सा ब्राउन, अब मैं इसमें डालूंगा ऑनियन जो मैंने पीस के रखा था। इसको मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगा। ये मेरा प्याज फ्राई हो गया है। अब मैं इस मसाले को, अंदर ये प्याज ही अकेला नहीं है, इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, ये तीनों मेरा फ्राई हो गया है धीमे तेल में डाल के। इसको मैं एक पैन में निकाल, मतलब एक कटोरे में निकाल लूँगा। इसको मैंने निकाल लिया, टिश्यू पेपर से कढ़ाई को मैं पोंछ लूँगा, साफ़ कर लूँगा। कढ़ाई को मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया। ये मेरा नॉन स्टिक कढ़ाई मेटल फ्रेंडली है इसलिए मैं मेटल का स्पून यूज़ करता हूँ। अगर आपकी कढ़ाई मेटल फ्रेंडली नहीं है तो आप लकड़ी का स्पून यूज़ करेंगे। इसको हल्का गर्म होने देंगे कढ़ाई को। अब मेरी कढ़ाई हल्की गर्म हो गई है, इसमें मैं डालूंगा फिर से थोड़ा सा तेल 1 चम्मच के आसपास। तेल मेरा गर्म होने लगा, लगभग गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो सूखा मसाला था ये डालूंगा। अगर तेल कम लगता है तो आप थोड़ा सा तेल और डाल दीजिए, जिससे मुझे तेल अभी कम लगा। इसमें मैं डालूंगा ये धनिया पाउडर, हल्दी, अगर तीखा आप ज़्यादा खाते हैं लाल मिर्ची, जीरा और लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, अगर कम खाते हैं तो मेरी तरह कम दीजिए। इसको धीमी आंच पर हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं तो गलने लगेगा, चलाते रहेंगे गलने नहीं देंगे। इसे ड्राई करके मसाले को ऐसे फ्राई करने से मसाले में स्मेल बहुत अच्छी आती है। पानी डाल के फ्राई करते हैं तो उतना जल्दी फ्राई भी नहीं होता और स्मेल भी उतनी अच्छी नहीं आती। ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान रखना आपको। अब मेरा ये फ्राई हो गया, अब इसमें मैं प्याज को वापस डाल दूँगा।
था मैंने फ्राई किया था, और इसमें मैं टमाटर जो मैंने पीस के रखा था उसको डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे करीब 5 मिनट कम से कम, जिससे ये आपका ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा। जब तक ये तेल नहीं छोड़ने लगेगा तब तक आपको फ्राई करना है। ये एक्चुअली थोड़ा उछलने लगता है तो इसलिए इसको आप थोड़ा ढक दीजिए और बीच बीच में देखते रहिए। अभी मेरा ये मसाला फ्राई हो गया, टमाटर भी फ्राई हो गया, देखिए तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूँगा राजमा को, राजमा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालूँगा मैं, मैंने इसको राजमा के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक कुकर में खाली करूँगा, और आप चाहिए तो कुकर में ही फ्राई कर लीजिए। मैं कुकर में फ्राई नहीं किया क्योंकि उससे आपको मैं अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा। तो अब मैं इसको एक कुकर में खाली करूँगा और फिर उसके बाद इसको उस कुकर में थोड़ा 2 कटोरी पानी डाल के, करीब 2 कटोरी पानी डालना है, यानी करीब 200 ml पानी डालना है। 200 ml पानी डाल के हाई फ्लेम पे मैं 4 सीटी दिलाऊंगा और फिर लो फ्लेम, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी दिलाऊंगा। उसके बाद उसको बंद कर दूंगा और ठंडा होने तक छोड़ दूंगा कुकर को। आपको कुकर को तुरंत खोलना नहीं, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद उसको निकाल के मैं हरी धनिया से गार्निश कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसा बना है। अभी देखिए मैंने कुकर में खाली कर लिया है। अब मैं कुकर में इसको हाई फ्लेम मैंने कर लिया है और मैं कुकर को बंद कर दूंगा और 4 सीटी हाई फ्लेम पर दिलाऊंगा और फिर 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे, और मैं मिलता हूँ उसके बाद राजमा पकने के बाद आपको। तो ये मेरा राजमा पक चुका है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब मैं इसको एक बाउल में खाली कर लूँगा, ये देखिए राजमा कितना अच्छा दिख रहा है। इसको मैं एक बाउल में खाली करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए राजमा को मैं एक बाउल में खाली कर लेता हूँ, राजमा को मैंने खाली कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है राजमा में, राजमा थोड़ा ऊपर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए राजमा को थोड़ा सा ऊपर कर ले। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है राजमा। अब इसको मैं हरी धनिया से थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लूँगा, सर्व करने से पहले ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा धनिया डालिए, ज़्यादा नहीं। ये मेरा राजमा बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको थोड़ा सा मैं एक चम्मच खा के भी देखता हूँ ये कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है, वो बहुत अच्छे से पक गया है। तो जल्दी से जाइए राजमा बनाइए और मुझे बताइए कैसे बना। तो देखा आप लोगों ने राजमा कितना अच्छा और कितना टेस्टी और कितना खूबसूरत बना हुआ है। खाना टेस्ट के साथ साथ खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने जब आता है तो उसकी खूबसूरती और उसकी स्मेल देख के आपको खाने की इच्छा जागती है। आप मुँह में चम्मच रखने से पहले खाने को देख के ही आपको भूख लग जाती है, और जब उसकी खुशबू आपके नाक के थ्रू आपके अंदर जाती है तो आपको लगता है कि अब बस देर न करो खा लूँ। तो ऐसा ही बना है राजमा। आप जाइए जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए कैसा बना है। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूँगा आपको एक और अच्छे डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।